अभी वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म के लिए कुछ हमें रूल्स पता होने चाहिए। चलो ड्रॉप कर दूं मैं। रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। पहला रूल, अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड, अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन। जब तक कोई अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया है, अगर कोई इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया है तो आपको अज्यूम करना है कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। इनर्ट का मतलब मैंने अभी बताया कौन कौन सा हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ग्राफाइट हो सकता है, दैट इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन, assume inert electrode unless mention. अगर mention किया गया है तो कोई बात ही नहीं है। चलो उसके बाद second रहेगा यहाँ पे, try to write anode reaction first. मतलब सबसे पहले आप try करना anode reaction. Anode पे क्या हो रहा है, oxidation. तो पहले आप try करोगे oxidation reaction लिखने का। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल रिएक्शन स्टॉप। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड आता है तो ऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। मतलब जो भी रिएक्शन चल रही है वो तो स्टॉप हो जाएगी यहां पे। एंड इलेक्ट्रोड and electrode themselves reacts to each other. मतलब अगर active electrode आता है तो reaction, जो reaction चल रही है वो तो stop हो जाएगी और अपने आप क्या हो जाएगी, जो active electrode है वो अपने आप ही reaction करने लगेंगे। वो क्या करेंगे, अपने आप ही reaction। क्या करना है, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं दिया है, तो मान लो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता है, जो वैसे है वैसे ही रहेगा। हमेशा एनोड रिएक्शन लिखने की कोशिश करो पहले, अभी जरूरी नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है, बट ट्राई करो, कैथोड भी लिख लो तो पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो सब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोड है वो अपने आप में रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वन बाय वन। चलो रब कर दो। इसमें रूल बहुत ये नहीं है, बस याद रखो, ये कोई याद करने वाली बातें नहीं है और कोई एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि मैम ये रूल पूछते क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रूल नहीं पूछेगा एग्जाम में। पहले हम वन बाय वन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। तो पहले हम लेते हैं केस वन, क्या ले रहे, केस वन, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। हम क्या करेंगे, पहले लेंगे हम एग्जाम्पल मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां पे पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, कौन सा NaCl, मोल्टन, कौन सा NaCl है, मोल्टन NaCl विथ प्लैटिनम या विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब क्या होता है, प्लैटिनम ग्राफाइट वॉट एवर जो भी आपको लेना है। तो पहली जो केस है दैट इज अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स है, मोल्टन में भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl का, कौन सा NaCl है, मोल्टन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अभी जब मैंने मोल्टन कहा है तो आपको पता है कि बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर,
क्या करते हैं, बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर. मतलब NaCl बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में. सही है ना, NaCl है उसको हीट दे दी, वो डिसोसिएट हो जाएगा किस किस में, Na प्लस में और Cl माइनस में. अभी मैंने कहा एनोड पे रिएक्शन होगी और कैथोड पे रिएक्शन होगी. अभी एनोड है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. एनोड लिखना है ना हमें, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. आपको इसको याद रखना है तो याद रखो पाओ. जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बताया था मैंने, लोन के बारे में बताया था. यहां पे याद रखना है पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. पॉजिटिव पी मतलब पॉजिटिव, एनोड, एनोड पे पॉजिटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. पाओ किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में. अब देखो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब सीएल माइनस आ गया. ठीक है, पॉजिटिव की तरफ सीएल माइनस, सीएल माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है सीएल, और ये इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है. ये प्राइमरी रिएक्शन होती है, ये प्राइमरी प्रोसेस होती है. क्या हम क्लोरीन को इस तरह से लिखते हैं, क्या हम क्लोरीन को इस तरह से लिखते हैं, नहीं, क्लोरीन को हम सीएल के फॉर्म में नहीं लिखते, इसको हम सीएल टू के फॉर्म में लिखते हैं. अगर यहाँ पे सीएल टू कर दोगे तो यहाँ पे टू कर देना और यहाँ पे टू कर देना, ये हमारी सेकेंडरी हो गई. मैंने एक साथ लिख लिया, आपको वन बाय वन लिखना है तो वो भी कर सकते हो, मैंने एक साथ लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, तो टू सी एल माइनस इट गिव सी एल टू टू इलेक्ट्रॉन. क्या ये रिएक्शन समझ में आई है. एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव आया इसकी तरह, उसने ऑक्सीडेशन कर लिया और सी एल टू फॉर्म हो गया. गुड, अभी हम बात करते हैं कैथोड की, बात करेंगे कैथोड की. कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और उसपे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है. उसपे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. कैथोड पे निगेटिव, रिडक्शन. और इसको याद रखने के लिए आप याद रखना NCR, याद रख सकते हो ना NCR. क्या होता है NCR, निगेटिव कैथोड रिडक्शन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, निगेटिव कैथोड रिडक्शन, याद हो गया. अभी निगेटिव चार्ज की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है Na प्लस. रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, Na फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, Na. अभी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. मतलब अगर मैं पूछू यहाँ पे देखो, इस तरह से सेल निकाला था मैंने, यहाँ पे एक था ये एनोड, यहाँ पे था कैथोड, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है. ये क्या है, एनोड. एनोड पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव. ये है कैथोड, कैथोड पे कौन सा, निगेटिव यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, Cl माइनस और Na प्लस है. Cl कहाँ पे जा रहा है, देखो क्लोरीन लिब्रेट हो रहा है एनोड पे, और सोडियम कहाँ पे लिब्रेट हो रहा है, कैथोड पे. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोरीन कहाँ पे लिब्रेट हो रहा है, एनोड पे. Na प्लस कहाँ पे जा रहा है, कैथोड पे. वही तो है ना, Na प्लस कैथोड पे, और Cl कहाँ पे, एनोड पे. क्लियर हुई रिएक्शन, रिएक्शन लिखना आएगा ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए. किसी को डाउट है कितने मोल इलेक्ट्रॉन गए उसके लिए, टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. गुड, चलो अगर समझ में आ गया तो आप लोग करोगे अभी दो एग्जाम्पल. ये रफ कर दू, हर बार डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, हर बार डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये कंसेप्ट याद रखो अपने आप हो जाएगा, डायग्राम से सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है. चलो आप लोग ट्राई करोगे. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2, करो ये रफ कर दो. पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, P पॉजिटिव, A एनोड, O ऑक्सीडेशन. चलो आप लोग ट्राई करो MgBr2.
जल्दी जल्दी ट्राई करोगे, उसके बाद और एक एग्जांपल करते हैं। समझ में आना चाहिए, रिएक्शन प्रॉपरली लिखना, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे उतने ही गेन करना है हमें, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन करना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2 विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना। हो गया, प्रॉपर रिएक्शन भी लिखनी है। चलो हो गया है, कर लिया है सबने। किसी को डाउट है इस रिएक्शन में? गुड साक्षी। MgBr2 इट गिव्स Mg2+2Br-, एनोड पे क्या जाएगा? पॉजिटिव, जो Br- Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गए। कैथोड पे Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Mg में चला जाएगा वहां पे। चलो उसके बाद एग्जांपल लो थर्ड वाला, इसकी रिएक्शन मुझे प्रॉपरली लिख के बोलो। AlCl3 मोल्टन में ही है, उसके रिएक्शन मुझे प्रॉपर बताना है। AlCl3 जो नेट से रिएक्शन होगी वो लिख के भेजो। AlCl3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस दोनों सेम आने चाहिए। चलो हो गया है, प्रॉपर रिएक्शन लिख ली, नेट सेल रिएक्शन। ओके चलो देखते हैं क्या है ये रिएक्शन, लिख लेते हैं। AlCl3 AlCl+3Cl-, एनोड पे पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा? Cl- इट गिव Cl2, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा इसकी तरफ, तो यहाँ पे Al3+ रिडक्शन हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एल्यूमिनियम, क्या यही लिखा आप लोगों ने? इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो 3Cl-, इट गिव्स 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 2Al3+ 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2Al, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 3Cl- प्लस
3Cl minus plus 2Al 3 plus 3Cl 2 plus 2Al. ठीक है, 2Cl 2 plus Al. ऐसे ना, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं यहाँ पे. देखो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं, 3Cl है, 2Al Cl 3 है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2Al Cl 3, यहाँ पे 2Al Cl 3. तो 2 यहाँ पे 2Al हो जाएगा और 3 यहाँ पे 6Cl माइनस हो जाएगा. तो 2Al Cl 3, यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है. अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना, एनोड वाली रिएक्शन तो गलत कर दी मैंने. यहाँ पे कितना लिखा ही नहीं मैंने, 2, किसी ने बताया नहीं मुझे. चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा था, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा, तो ये तो 2 के 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, किसी ने बताने की जरूरत नहीं समझे मुझे. चल अभी ठीक है, इसको लिख सकते हो 6Cl माइनस 2Al 3 प्लस, तो ये हो जाएगा 2Al Cl 3. 2Al Cl 3 रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2Al Cl3 required 6 mole of electron. तो 1 कितना लगेगा, तो Al Cl3 required 3 mole of electron. ये भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ये दो Al Cl3 है, उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो 1 Al Cl3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 Al Cl3 required 6 mole, क्योंकि हमने 6 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल किए हैं. तो 1 AlCl3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलते हैं. 3Cl माइनस कहां पे आएगा, मैंने फिर से गलती कर दी, नहीं उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, शेरवरी उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2 6, 6Cl माइनस कर दिया मैंने डायरेक्टली, सही है ना, 6Cl माइनस 3Cl2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2Al 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Al, सही है. अभी क्लियर है. अच्छा 2Al Cl3 कैसे आया, 2Cl माइनस प्लस 2Al 3 प्लस, 2Cl माइनस प्लस 2Al 3 प्लस, सॉरी 6 चाहिए. क्या मैं इसको Al3 लिखना है, Al Cl3, लेकिन Al कितना है यहाँ पे, 2 है, 6 कितना है Cl, तो 2 ही तो हो गया, लिखो इसको ऐसे. ठीक है साहिल, समझ में आया. चलो ये किसका हुआ, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की बात हुई, ये किसकी बात हुई, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हुई. चलो केस 2 लेते हैं यहाँ पे, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, केस 2 एक्वस इलेक्ट्रोलाइट. एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कि हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, कि वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, कौन सा NaCl, एक्वस NaCl विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. अभी जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे, किसका, NaCl का, कौन सा NaCl है, एक्वस NaCl है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे, हो सकता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब अमाउंट ऑफ NaCl इज मोर, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, हो सकता है वो डाइल्यूट होगा, मतलब अमाउंट ऑफ NaCl इज लेस एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर. तो जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड NaCl आता है और दूसरा आता है डाइल्यूट NaCl.
तो इसमें भी पहला जो होगा कॉन्सेंट्रेटेड, पहला जो होगा कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, फर्स्ट यूनिट डालना है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। अभी देखो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में हो क्या रहा है, देखो ध्यान दो पहले, बाद में लिख लेना। NaCl है, NaCl किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, सही है। लेकिन एक्वस कंडीशन में है तो NaCl को बेटा किस में डिसोल्व किया है, NaCl को वाटर में डिसोल्व किया है, तो वाटर डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में, सही है ना। NaCl को वाटर में डिसोल्व किया, NaCl डिसोसिएट हो गया Na प्लस Cl माइनस में, वाटर भी है तो वाटर भी उसके आयंस फॉर्म करेगा ना, H प्लस और OH माइनस। अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं एनोड का है, सॉरी एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। पॉजिटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव के पास आएगा निगेटिव, निगेटिव कौन सा है, एक है Cl माइनस और दूसरा है OH माइनस, ठीक है, एक है Cl माइनस दूसरा है OH माइनस। एक ले रही हूं मैं यहाँ पे कैथोड, कैथोड मतलब NCr, निगेटिव चार्ज, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, जिसपे निगेटिव है उसकी तरफ कौन आएगा, एक तो Na प्लस भी आएगा और यहाँ पे H प्लस आएगा। अभी तक आपने देखा कि जब हमने मोल्टन कंडीशन ली थी, जब हमने मोल्टन कंडीशन ली तो वहां पे एक ही की था, एक तो Na प्लस था Cl माइनस था, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन जब हम एक्वस स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अभी बताओ भाई मुझे कि एनोड पे कौन लिबरेट होगा, क्लोरीन होगा या OH ग्रुप होगा, कैथोड पे Na प्लस आएगा या H प्लस आएगा, अभी तो इनमें कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अभी इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको कुछ रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज याद रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, किसकी सीरीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो पहले पहले आता है लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, कुछ कुछ एलिमेंट ही याद रखना है, उसके बाद जिंक, देन Fe, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, Ag दिखाई दे रहा है ना सबको, Cl माइनस, अरे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, एक मिनट मैं ये साइड में लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ से शुरू करती हूँ, फिर से शुरू कर रही हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पहला आ रहा है लिथियम, देन कौन आया यहाँ पे, सोडियम, जिंक, Fe, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, ठीक है, Ag के बाद आ रहा है Cl माइनस, OH माइनस यहाँ पे, देन NO3 माइनस, SO4 टू माइनस, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है F माइनस। अभी यहाँ पे लिथियम से जब नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस साइड में, मतलब F माइनस से जब लिथियम की तरफ जाओगे उल्टा साइड करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, क्या ये बात समझ में आई है। मैंने आपको यहां पे एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज दी है और मैंने कहा लिथियम से F माइनस की तरफ जब आओगे, लिथियम से F माइनस की तरफ जब आओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब इसके अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। अभी यहां पे देखो ये जो एनोड है, यहां पे ये थोड़ा सा रफ कर देती हूं मैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, यहां पे जो एनोड है, एनोड पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ कौन आ रहा है, निगेटिव चार्ज Cl माइनस OH माइनस। अभी किसका, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, एट द सेम टाइम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन ज्यादा होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है।
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका इजीली क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। अभी देखो, एक है सीएल माइनस, सीएल माइनस कहां पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला। एक है ओएच माइनस, ओएच माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब सीएल माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका ऑक्सीडेशन किसका, सीएल का, तो फिर से रिएक्शन लिखो 2CL माइनस सीएल टू, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का। यहां पे देखो Na प्लस और H प्लस, जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप रिडक्शन पोटेंशियल देखो कहां पे आ रहा है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, वहां पे 2। क्लियर हुआ है? चलो लिखो एक बार पहले, इसे समझाते हैं उसको। क्या लिखा मैंने, कौन सा सेल ले रहा, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, मतलब अमाउंट ऑफ NaCl इज मोर, अमाउंट ऑफ वॉटर इज लेस। NaCl डिजोल्व इन वॉटर, इट गिव्स Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। एनोड पे ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव स्पीसीज कौन कौन सी है, Cl माइनस, OH माइनस। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, तो उसपे का उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, Na प्लस और H प्लस। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये सीरीज मैंने लिख के दी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। लिथियम से F माइनस की तरफ आ रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसके अपोजिट जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, उसके अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। यस, मतलब याद रखना, अगर ऐसे दो कॉम्पिटिशन वाली बातें आई ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन करना, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन करना। ये बहुत बड़ी सीरीज है, मैं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट में याद रखना, क्योंकि इसमें से ही कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं आपको, इसमें से ही कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे। अभी यहां पे देखो, अगर मेरा क्वेश्चन है क्या इस रिएक्शन का पीएच, बुकलेट में है ना, ये सीरीज देखनी पड़ेगी, मैंने शॉर्टकट में लिखी है, आपके पास एक बड़ी सी सीरीज होगी, मैंने शॉर्टकट में लिखा ये सब। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने पूछा आपको क्या इस रिएक्शन में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछूंगी, क्या इस रिएक्शन में जो NaCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पहला क्वेश्चन। जो Na प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा रहेगा क्या इस रिएक्शन का पीएच इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सोच समझ के आंसर देना मुझे, रिएक्शन लिखिए मैंने आपके सामने। पहला क्वेश्चन, क्या NaCl का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। गुड अथर, तुक्का मारा अथर कि सोच समझ के आंसर दिया। गुड जोएल, गुड। गुड अभय, गुड प्रतीक। चलो बाकी लोग, आदर्श जल्दी जल्दी आंसर दो, अभय ने तो दे दिया, आदित्य, गायत्री, सोनाली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इंक्रीजेस और डिक्रीजेस।
गुड प्रतीक, वेरी गुड. चलो हो गया. अभी रिएक्शन में आप देख रहे हो कि सीएल टूट टूट के सॉल्यूशन में जा रहा है, तो एनए तो है, एनए तो रहेगा, बट सीएल तो टूट के जा रहा है ना. तो एनए सीएल का कॉन्सेंट्रेशन देखो, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया. ये रफ कर दू, चलो. बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर नहीं दिया, समझाते उसको. देखो NaCl किस में गया बेटा, Na प्लस और Cl माइनस में, H2O H प्लस OH माइनस में, ठीक है, H प्लस OH माइनस में. एनोड पे क्या रिएक्शन लिखी थी मैंने, एनोड पे रिएक्शन लिखी है 2Cl माइनस, इट गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे किसकी रिएक्शन आई थी, कैथोड पे रिडक्शन किसका हो रहा था, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये H2, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. यहाँ पे क्या आया, 2Cl माइनस, यहाँ पे 2H प्लस, एडियो Cl2 और यहाँ पे क्या आया हुआ है, H2 आया हुआ है, यहाँ पे क्या आया, H2. अभी यहां पे आप देख रहे हो कि रिएक्शन में देखो, यहां से Cl तो मिल गया मुझे, यहां से H प्लस मिल गया. क्या रिएक्शन में बचा हुआ Na प्लस बचा हुआ है, रिएक्शन में OH माइनस भी बचा हुआ है, रिएक्शन में Na प्लस प्लस भी बचा हुआ, रिएक्शन में OH माइनस भी बचा हुआ, एज इट इज रहेगा, यहां पे भी NaOH एज इट इज रहेगा. मतलब अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl का मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, तो आप रिएक्शन में Cl टूट टूट के जा रहा है, रिएक्शन में Cl टूट टूट के जा रहा है, मतलब NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीजेस. NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीजेस. लेकिन अगर मैंने आपको पूछा है कि Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, गुड अथर्व, Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा, कॉन्स्टेंट होगा, रिमेन सेम, गुड. और यहां पे अगर मैंने पूछा पीएच, आप देख रहे हो NaOH सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है. या तो आप बोल सकते हो कि रिएक्शन से हाइड्रोजन जा रहा है, अगर रिएक्शन से हाइड्रोजन जाएगा तो पीएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पीएच भी क्या होगा, इंक्रीज. क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, चलो यहां पे कौन सा लिया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड, चलो ड्रॉप कर दू. अभी हम बात कर रहे हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी बात कर रहे हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की. बट यहां पे जो एक्वस NaCl ले रहे हैं, यहां पे जो हम एक्वस NaCl ले रहे हैं, अभी हम ये ले रहे हैं डाइल्यूट कंडीशन में. अगर आपको डाइल्यूट या एक्वस दिया नहीं है तो आप समझ लो कॉन्सेंट्रेटेड है. अगर आपको एक्वस और डाइल्यूट नहीं दिया गया है तो आप समझ लो वो कॉन्सेंट्रेटेड है. अगर डाइल्यूट देंगे तो वहां पे लिखा रहेगा वो डाइल्यूट है करके. तो यहां पे एक्वस NaCl कौन सी कंडीशन, मैंने कहा डाइल्यूट विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड, विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. अभी देखो एक्वस है मतलब NaCl कहां पे जाएगा, Na प्लस में और यहां पे Cl माइनस. NaCl किस में जा रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में. यहां पे H2O है, वो किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस OH माइनस में.
अभी कंडीशन कैसी है? डाइल्यूट है. जब भी मैं डाइल्यूट कंडीशन लेती हूं तो वहां पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है. मतलब यहां पे जो वाटर है, यहां पे जो वाटर है वो कैसा है? लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है. वाटर कैसा प्रेजेंट है? लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है. अभी देखो रिएक्शन एनोड पे हो रही है. रिएक्शन किस पे हो रही है? एनोड पे. एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ कौन आ रहा है? सीएल माइनस आ रहा है, यहां पे ओएच माइनस आ रहा है. अगर मैं बात करूं कैथोड की, कैथोड तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आएगा यहां पे एच प्लस और यहां पे आएगा एन ए प्लस. अभी यहां पे आप बोलोगे कि नहीं मैम हम वो एसआरपी वाला रूल यूज करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला यूज करेंगे. नहीं, यहां पे वो रूल अवॉइड, वहां पे वो रूल हम वॉयलेटेड करेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पे एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. क्या बात समझ में आ रही है? जब हमने डाइल्यूट कंडीशन ली है, डाइल्यूट कंडीशन में एच प्लस और ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि कंडीशन डाइल्यूट वाली है, वॉटर ज्यादा है. अभी भाई जो ज्यादा होगा वही तो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करेगा. सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वही ऑक्सीडाइज और वही क्या होता है वहां पे रिड्यूस होता है. मतलब ऑक्सीडेशन में किसका है? OH माइनस ज्यादा है. OH माइनस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. तो यहां पे देखो OH माइनस ऑक्सीडेशन और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते. अभी यहां पे OH प्लस OH कंबाइन करके, यहां पे OH और OH कंबाइन होके यहां पे बनता है H2O, यहां पे बनता है H2O एंड O2. देखो H2O और एक ऑक्सीजन बचा हुआ O2 के फॉर्म में निकलेगा. यहां पे फिर से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, चलो यहां पे O2 में बाद में लेती हूँ, ठीक है. यहां पे बनेगा ऑक्सीजन. समझने के लिए देखो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वही क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, OH में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. OH OH कंबाइन होगा, H2O फॉर्म होगा, ऑक्सीजन होगा. अभी ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है? O2 फॉर्म करता है. अभी देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है? O2 दो है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे कर लो. ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? दो ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर दू टू, ये कर दूंगी, यहाँ पे टू कर दूंगी, ठीक है. तो यहाँ पे टू H2 कर दो रिएक्शन बैलेंस के लिए. टू ओ एच, टू ओ एच है, मतलब कितना हो जाएगा? फोर ओ एच हो जाएगा. ये वाला यहाँ पे भी फोर ओ एच और यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो सिर्फ समझने के लिए. ये रिएक्शन फोर ओ एच माइनस रिड्यूस फोर ओ एच प्लस फोर इलेक्ट्रॉन. इसे रिएक्शन को देखो मैं कैसे लिखती हूँ, ये तो बिल्कुल याद ही कर लेना. फोर ओ एच माइनस रिड्यूस फोर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, प्लस क्या दे रहा होगा? टू एच टू ओ दे रहा है, प्लस ओ टू दे रहा है. ये सिर्फ याद रखने के लिए. फोर ओ एच माइनस क्या दे रहा है? फोर इलेक्ट्रॉन, टू एच टू ओ और यहां से ओ टू, यहां पे क्या दे रहा है? ओ टू. अभी कैथोड पे क्या रहेगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किसका? एच प्लस का है. एच प्लस है मतलब क्या हो जाएगा? फोर एच प्लस, क्योंकि वहां पे फोर है, फोर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर एच प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, तो टू एच टू कर दो. चलो ठीक है, टू एच टू कर देती हूँ. लिखो दोनों रिएक्शन. नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो. रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है तो पूछना है हमें. किसी को डाउट है यहाँ पे? देखो हर इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक्वस में क्या होगा, मोल्टन में क्या होगा, डाइल्यूट में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में क्या होगा, हर इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर इसका. तो आपको वो याद होना चाहिए. यहां तक बात समझ में आई है? नेट सेल रिएक्शन लिखनी है,
नेट सेल रिएक्शन, दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करो, यहां पे क्या हो जाएगा 4H प्लस, क्या आएगी रिएक्शन देखो, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगी, 4H प्लस, 4OH माइनस, रिड्यूस 2H2 प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस क्या आ जाएगा O2। यहां पे लिख सकती हो 4H प्लस 4OH माइनस 4H2O, इट गिव्स 2H2 प्लस 2H2O प्लस O2। ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2H2O के साथ, तो क्या बचा 2H2O 2H2 प्लस O2। क्या इस रिएक्शन को मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? क्या ये रिएक्शन डाइल्यूट कंडीशन में जो रिएक्शन है, क्या इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या हो रहा है, 2H2O इट गिव्स 2H2 प्लस O2, 2H2O इट गिव्स 2H2 प्लस O2, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्या हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सबको समझ में आया कैसे किया है? फिर से हम देखते हैं, हमने क्या किया इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने क्या कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, कटाइंस पे, कटाइंस यहाँ पे किसकी तरफ जा रहे हैं कैथोड की तरफ, कैथोड में रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो पहले हमने मोल्टर इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में, एनोड पे Cl2 लिब्रेट हुआ, कैथोड पे सोडियम लिब्रेट हुआ है। उसके बाद हमने लिया है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा कि NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, तो Na प्लस Cl माइनस के साथ साथ हमें H प्लस और OH माइनस भी मिला, तो वहां पे कंपटीशन बढ़ गया कि ऑक्सीडेशन कौन करेगा रिडक्शन कौन करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा। तो हमने SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज देखी, कैसी थी, लिथियम सोडियम जिंक आयरन हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर Cl माइनस OH माइनस NO3 SO42 माइनस F माइनस, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम लिथियम टू F माइनस बढ़ रहा था। उसके बाद हमने वहां पे किया कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हमने देखा Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका था हाइड्रोजन का था, तो हाइड्रोजन भी वहां पे जा रहा है। क्या डाउट है अथर्व? मैम जो फर्स्ट केस था जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लिया हमने, मैम उसमें तो NaCl की क्वांटिटी ज्यादा थी ना, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे NaCl? हाँ, तो NaCl की क्वांटिटी ज्यादा थी, लेकिन ऐसा नहीं था ना उसमें वाटर भी था, तो अगर वहां पे जो सब्सटेंस है अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वहां पे हमें SRP देखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर वाटर की बात आती है, हमने रेट लॉ में भी देखा है कि कोई रिएक्शन अगर वाटर में हो रही है तो वाटर को हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, तो इसीलिए हम जब भी कोई डाइल्यूट कंडीशन मानते हैं तो उसमें वाटर जब आता है तो उसका हम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन वाटर में हो रही है, लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड मानते तो पूरा का पूरा NaCl नहीं है, उसमें वाटर भी है, वो अलग अलग बातें हैं। समझ में अथर्व? यस मैम। ओके, और किसी को डाउट है? अब तक जितना पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? ये क्या बता रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है, pH डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम कि कहां पे इंक्रीज हो रहा है कहां पे डिक्रीज हो रहा है। चलो आगे बढ़े, फिर चलो नेक्स्ट डालो। फिर एक और केस बाकी है वो ले लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है आपके पास होनी चाहिए।
एक्वस एनएसीएल जो भी होगा अपर केस थर्ड होगा शायद ये एक्वस एनएसीएल विथ विथ मर्क्यूरी एज कैथोड एक्वस एनएसीएल विथ मर्क्यूरी अच्छा नहीं दिख रहा है ठीक है एक्वस एनएसीएल विथ मर्क्यूरी एज कैथोड वो देखते हैं अभी देखो एक्वस एनएसीएल है तो एनएसीएल क्या करेगा एनए प्लस और सीएल माइनस में जाएगा अगेन एक्वस है तो एच टू ओ प्लस यहां पे एच प्लस और यहां पे ओ एच माइनस मैंने कहा था कि जब दिया नहीं जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है दिखाई नहीं दे रहा है बाकी किसी को डाउट बाकी किसी को दिखाई दे रहा है बोर्ड दिखाई दे रहा है अच्छा हाँ ठीक है अभी अगर मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया गया है या डाइल्यूट नहीं दिया गया है तो कॉन्सेंट्रेटेड मान लो तो NaCl Na plus Cl minus H2O H plus OH minus रिएक्शन क्या कहा मैंने एनोड पे ठीक है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव कौन आएगा Cl minus यहाँ पे OH minus ठीक है ये बात तो अभी समझ में आई गई है भाई अभी क्या बताना जज्बा Cl minus Cl2 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 ठीक है ना ये रिएक्शन कैथोड पे अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मर्क्यूरी एज कैथोड यहाँ पे कैथोड क्या कहा है मर्क्यूरी कहा है मर्क्यूरी एज कैथोड अभी आपको पता है कि यहाँ पे Na प्लस होगा यहाँ पे Na प्लस भी आएगा और H प्लस आएगा तो मर्क्यूरी एज कैथोड है तो यहां पे कंडीशन चेंज कर देना यहां पे भी चेंज कर देना Na प्लस का रिडक्शन कर दोगे तो यहां पे Na फॉर्म होगा अभी हाइड्रोजन को मत लेना ये एक स्पेशल केस है यहां पे Na प्लस का रिडक्शन करना है और Na बनाना है ताकि ये सोडियम इस कैथोड में जो मर्क्यूरी है उसके साथ कंबाइन हो जाए और आपका क्या बन जाए NaHg क्या किसी को NaHg का नाम पता है क्या किसी को NaHg का नाम पता है क्या होता होगा NaHg इज कॉल्ड एज सोडियम अमालगम यस गुड आलोक दिस इज कॉल्ड एज सोडियम अमालगम सोडियम इज हाईली सोल्युबल इन मर्क्यूरी जो सोडियम होता है सोडियम हाईली सोल्युबल होता है मर्क्यूरी में इसीलिए वो इजीली सोडियम अमालगम बना लेता है कब जब मैंने कैथोड को क्या लिया हुआ है मर्क्यूरी अगर ऐसी केस आती है कि जहां पे कैथोड हम मर्क्यूरी ले रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं होगा वहां पे किसका रिडक्शन हो रहा है सोडियम का रिडक्शन हो रहा है और सोडियम का रिडक्शन होके क्या फॉर्म हो रहा है सोडियम अमालगम बिकॉज सोडियम इज हाईली सोल्युबल इन मर्क्यूरी अगर मैंने पीएच पूछा यहाँ पे अगर मैंने आपको पूछा कि पीएच के बारे में बताओ पीएच इंक्रीज होगा इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन डू यू हैव टेक कॉन्सेंट्रेट यस यस नीति सही है लेकिन यहां पे कैथोड क्या दिया था मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं था यहाँ पे कैथोड था तो सोडियम कैथोड में सोल्युबल होता है इसलिए वो सोडियम अमालगम बना लेता है तो सोडियम इज हाईली सोल्युबल इन मर्क्यूरी अभी पीएच भी बताओ मुझे क्या इफेक्ट होगा पीएच इंक्रीज होगा पीएच डिक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा पीएच इंक्रीजेस पीएच डिक्रीजेस या पीएच रिमेन सेम गुड प्रतीक वेरी गुड बाकी क्या बोल रहे पीएच के बारे में पीएच के बारे में क्या कहना चाहते हो गुड अभिजीत
और चलो अभी हाइड्रोजन रिएक्शन में एज इट इज है, रिएक्शन में हाइड्रोजन एज इट इज है तो रिमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिएक्शन में हाइड्रोजन एट इज इट इज है रिमेन सेम कॉन्स्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये कौन सा एस्पेक्ट था? ये था क्वालिटेटिव, ये था क्वालिटेटिव। चलो अभी हमें देखना है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट सुन लो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसी को बोलते हैं फराडे फर्स्ट लॉ एंड फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट सुन लो, फराडेज लॉ ऑफ, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें फर्स्ट डालो फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। राइट डाउन स्टेटमेंट, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और the mass of a gas liberated at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through solution। सॉल्यूशन मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये कौन सा एस्पेक्ट है? क्वांटिटेटिव। अभी हमें बताएगा, अभी तक हमें क्या बता रहा था कि कैथोड पे कौन सी गैस लिब्रेट हो रही है, एनोड पे कौन सी गैस लिब्रेट हो रही है, हमें ये बता रहा था पीएच कैसा रहेगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ये बातें चल रही थी। बट जब क्वांटिटेटिव में, हाँ, कैथोड पे अगर हाइड्रोजन लिब्रेट हो रहा है तो कितना अमाउंट लिब्रेट हो रहा है, अगर कैथोड पे हाइड्रोजन लिब्रेट हो रहा है तो कितना अमाउंट लिब्रेट हो रहा है, अगर एनोड पे ऑक्सीजन जा रहा है तो कितना अमाउंट लिबरेट हो रहा है, ये बातें करेगा फराडेस फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रू सॉल्यूशन पासिंग थ्रू। मास ऑफ सब्सटेंस मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, q मतलब क्या होता है, चार्ज। तो यहां पे मैं लिख सकती हूं, मुझे प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल करना है तो z into q हो जाएगा। अभी यहां पे z आया है, z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या हो रहा है?
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो रहा है. एंड जेड डिपेंड अपॉन द कटायन एंड अनायन. तो जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, डिपेंड अपॉन द कटायन एंड अनायन. जो भी कटायन है अनायन है उस पे जेड डिपेंड करेगा. तो एम इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू आ गया. अभी आपको करंट के बारे में पता है, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, सही है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना आप लोग, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट यहां पे टी. टाइम किस में लेना है, सेकेंड में लेना है, ठीक है. तो यहां पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इज इक्वल टू जेड और क्यू की वैल्यू मैंने क्या डाली, आई टी. तो एम इज इक्वल टू जेड आई टी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फराडे फर्स्ट लॉ. आई एम इज इक्वल टू क्या होगा, स्टेटमेंट याद रखना, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट है. तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या गैस लिबरेट हो रही, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का है, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट जेड ले रहे, जेड क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जेड क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. और जेड डिपेंड करता है कटायन और अनायन पे, जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन कटायन एंड अनायन. क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ आकांक्षा एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टेटमेंट, एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ सकते हैं. क्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आई इंटू टी, आई करंट हो गया, टी टाइम हो गया. तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड आई टी. एम इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड आई टी. थोड़ा ऊपर का रब कर दू, अभी समझ में आया है सबको, ओके. देखो यहाँ पे एम इज इक्वल टू जेड आई टी. अभी जेड की वैल्यू निकालोगे कैसे, जेड इज इक्वल टू, जेड का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडेस कांस्टेंट. फराडेस कांस्टेंट पता है सबको, वन फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. Equivalent weight is equal, Z is equal to equivalent weight upon Faraday's constant. What is mean by Faraday's constant? What is mean by Faraday's constant? Faraday's constant होता है charge on one mole of electrode. Charge on one mole of electrode. एक मोल पे कितना चार्ज है? एक मोल पे कितना चार्ज है? और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. वन फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना भी सिखा लिया था, अच्छे से लिया था हमने. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास बाय एन फैक्टर. मोलार मास बाय एन फैक्टर, That is equivalent weight. तो देखो Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, equivalent weight. Equivalent weight कहाँ से कैलकुलेट करोगे, मोलार मास बाय X. Faraday's constant क्या होता है, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन फराडे इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम, वन फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. और N क्या होता है, यहाँ पे जो X लिया that is called as X factor बोलो या इसको N factor बोलो, तो N factor कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम होते हैं, बेस के लिए रिप्लेसेबल OH- माइनस आयंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए. तो यहाँ पे हम तो इलेक्ट्रोकेमिकल से कैथोड और एनोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए. तो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
दैट इज एम इज इक्वल टू जेड आई टी. आपको करंट दिया जाएगा, टाइम भी दिया जाएगा, मास पूछा जाएगा, या मास देके आपको करंट या टाइम, इसमें से कोई भी एक फैक्टर जरूर पूछा जाएगा, उसमें से कोई भी एक फैक्टर जरूर पूछा जाएगा. ठीक है, लिख लो जल्दी से. समझ में आया है ये लॉ? क्या कहा है फैराडेज लॉ ने? दैट इज द फर्स्ट लॉ. अभिजीत क्लियर है? संकेत क्लियर है? लॉ समझ में आया है? अरे हाँ या ना तो बोलो कुछ. नहीं आया तो नहीं बोलो, हाँ आया तो हाँ. और पेपर कैसा गया था? इजी था पेपर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट थी, अच्छा वो लास्ट मोमेंट पढ़ाई हो गई थी. नहीं हुआ, चलो आज वो पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, जो शाम का लेक्चर है उसमें 1 आवर्स में हम पेपर भी डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, तो आपको डाउट भी समझ में आएगी कि मतलब आज देख लेंगे पेपर जहां पे भी गलती. संडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं है, सॉल्यूशन का टेस्ट है, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन का टेस्ट है. ओके चलो फिर आज यही पे मैं करती हूँ हमारे न्यूमेरिकल्स, बाकी हम कल देखेंगे. आज हम जो हमारी क्लास है शाम को उसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे. ओके अरे हाँ साक्षी वो भूल ही जाती हूँ, मुझे लगता है मैं भेजा है करके भेजती हूँ. पक्का पक्का चलो ओके बाय एवरीवन बाय.